आप सभी का इंडिया न्यूज राजस्थान पर हूं। मैं हूं आपके साथ आयुष चतरान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी जानकारी है, उदयपुर मर्डर केस पर राहुल गांधी का बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने कहा है कि धर्म के नाम पर बर्बरता बर्दाश्त नहीं होगी, हैवानियत से आतंक फैलाने वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिए, हम सभी को साथ मिलकर के इस नफरत को हराना होगा, सभी से शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील भी राहुल गांधी ने की है। तो उदयपुर कांड पर राहुल गांधी ने यह बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम सभी को साथ मिलकर नफरत को हराना होगा, सभी लोग भाईचारा बनाए रखें, यह अपील राहुल गांधी की तरफ से की गई। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ भी घटनाक्रम घटित हुआ है उसमें अपराधियों के साथ सख्ती के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। तो उदयपुर मर्डर केस पर राहुल गांधी ने यह बड़ा बयान दिया, धर्म के नाम पे बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जा सकती है, हैवानियत से आतंक फैलाने वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। That violence will resolve problems, and violence never resolves problems. However, the children who did this, I mean, they're also children, so it's not fine. It's not a good thing to do, but they've acted in a irresponsible way. I don't have any anger or hostility towards them. They've done a silly thing, and so we should leave it at that.